अभी हम बिहार बेगूसराय जिले के अंतर्गत खांझापुर पंचायत में है, और खांझापुर पंचायत में तो आपको क्या बताऊं, शायद नया नया दृश्य दिखाने का मैं प्रयास करता हूं, और अभी फिर मैं एक नया दृश्य दिखा रहा हूं, और यह दृश्य मुझे लगता है कि आप लोग को देखना चाहिए। हालांकि देखने के लिए तो बहुत कुछ है खांझापुर पंचायत में, लेकिन ये जो मैं दिखा रहा हूँ ये कुछ खास है दृश्य, और यह दृश्य देखने को अक्सर खांझापुर पंचायत में ही मिलेगा। और ऐसे में पहले कुछ ग्रामीण हम इनसे बात करते हैं। अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम रमाकांत महतो है। अच्छा, ये 7 वार्ड है और 11 वार्ड है। इस साइड 7 है, उस साइड 11 है। 11 है। ये कितना समय से यहाँ पर जल जमा है? ये जल जमाव जब जब बारिश होता है तो लगभग ये 10 वर्ष से ये कंडीशन है इसका। मैक्सिमम 10 वर्ष से? जब अशोक मुखिया के टाइम में ही रोड बना था ये। अच्छा। और उसके बाद 2 बार प्रमोद मुखिया हुआ, लेकिन उससे कुछ गुहार लगाया गया इसको सुधारीकरण किया जाए, लेकिन नहीं हो सका। बोला इस मोहल्ला के लोग हमको तो वोट देता नहीं है, इसीलिए। मतलब यहाँ देखिए, यह भी एक मुद्दा है, मतलब चुनावी मुद्दा इतना अधिक ज्यादा और इतना अधिक मात्रा में फैल रहा है। हम कहे तो ग्रामीण में तो फैलता ही है, क्योंकि शुरुआत होता है ग्रामीण से, और नेता इतना बड़ा इतना लंबा बना देते हैं कि शायद वह ग्रामीण सक्सेस, मतलब क्या कहें हम, इतना अधिक मात्रा में और इतना बता देते हैं कि पहले आपको मैं दिखाता हूं कितना और इतना अधिक मात्रा में। पहले मैं बता दूं कि यहां के जैसे ग्रामीण बता रहे हैं, पिछले 10 साल से यहां पर जल जमा होता है, और ना जाने कितने प्रतिनिधियों को शिकायत करते हैं, और वह शिकायत करने का परिणाम यह है जैसे कि आपको दिख रहा है। अच्छा, अभी कितने 10 दिन से मैक्सिमम जमा है? जब से बारिश हुआ। अच्छा, बारिश हुआ है तो फिर जाके आप शिकायत किए? शिकायत कितना बारिश से पहले, पिछले साल भी इससे ज्यादा बारिश हुई। अच्छा, कई बार लोग डॉक्टर चरित्र भी गया, हम भी कई बार कहे इस रोड को ठीक ठाक कर दिया जाए, लेकिन नजरअंदाज करते रहे हमेशा, बार बार मैक्सिमम हर बार नजरअंदाज। जी, आप लोग को कुछ अलग करना है ना, अलग कुछ करने का प्रयास? अलग करने कौन लोग हैं उतना उत्सुक ग्रुप है, वो कहते हैं हमको नहीं मतलब, वो कहते हैं हमको नहीं मतलब, मतलब किसी को अपना पर्सनल ये समस्या है नहीं, सबका समस्या है, इसीलिए कहीं ना कहीं आपसी में भी मेल मिलाप नहीं है। मेल मिलाप नहीं है, नहीं तो बड़े बड़े अफसर इस बात को लेते सीरियसली से, इसको समझते और करते उसको। और जैसे कि तो आप लोग को पता है कि यहाँ डबल विकास देखने को मिल रहा है, और ये ऐसा ऐसा डबल विकास देखने को मिलता है जैसे कि, तो आपको पूरा बिहार के बारे में मैं बता दूं, जैसे कि अभी मैं बता रहा हूँ, देख सकते हैं, यह मैं कहूँ तो समुद्र में मैं चल रहा हूँ, ना जाने कितना गंदा पानी है, हालांकि चलना पड़ता है। और ऐसे में कुछ ग्रामीण सड़क पर भी हम इनसे भी बात करते हैं। अच्छा, रुकिए ना, घबरा रहे हैं क्या, या फिर बोलने से कुछ हिचकिचा रहे हैं? अच्छा, क्या नाम हुआ? राम बाबू महतो। अच्छा, यह जल मैक्सिमम 10 दिन से जमा हुआ है, और उन लोगों का कहना है हम जनप्रतिनिधि से शिकायत किए, हालांकि वो शिकायत करने का परिणाम यह देखने को मिल रहा है। जनता लोग है जनप्रतिनिधि के वोट देने के संदर्भ में कहते हैं कि हम लोग विकास करेंगे, नली गली नाला को पानी बहाव करेंगे, शिक्षा व्यवस्था करेंगे, कुछ नहीं करते हैं, खाली वोट के समय हम कहते हैं और करते कुछ नहीं है। अच्छा, चुनाव आता है तो ना जाने क्या क्या कह जाते हैं? सब कुछ कहते हैं लेकिन करते हैं कुछ नहीं। ओ, मतलब चुनाव खत्म का काम खत्म, उनका काम खत्म हो जाता है, विकास के लिए कुछ पानी बहाव के लिए कुछ व्यवस्था नहीं करते हैं। यहाँ पे जो जल जमाव है, ये किस तरह से जल निकाला जा सकता है? 5 लोग चाहेंगे तो 2-4 मजदूर लगेगा, नाला को साफ कर दिया जाएगा, उसके बाद अपने नाला की होकर पानी चला जाएगा, लेकिन करते हैं कोई नहीं। हालांकि उतना टाइम नहीं है किन्हीं के पास, टाइम नहीं कि करेंगे तब ना, अपना खाना बनाने का टाइम है, एक पानी के लोग प्यारे होकर जाता है सरल का दनिया, उसके बाद उसको टाइम नहीं। देखिए, इन्होंने कुछ ऐसा बात कह दिए, शायद मुझे लगता है ये अगर जनप्रतिनिधि सुने तो शायद थोड़ा समय के लिए ही, लेकिन उनको गुस्सा जरूर आएगा, हालांकि घुसाना नहीं चाहिए। और ऐसा ऐसा दृश्य देखने को अगर मिलता है तो उनमें दोषी हैं जनप्रतिनिधि, और जनप्रतिनिधि दोषी हैं, मैं उन्हीं को नहीं कहूँगा, और यहाँ पे जितने ग्रामीण हैं ये ग्रामीण भी दोषी है, क्योंकि जैसे कि अभी इन्होंने बोला कि हम बोलते हैं ये करे और ये बोलते हैं ये करे, और ऐसे में देखने को मिलता है एक नया दृश्य, जो यह दृश्य आप देख रहे हैं। अच्छा, रुकिए,
आपका भी घर यही है? हाँ, 7 नंबर वार्ड या फिर 11 नंबर वार्ड? 11 इस रूट से जाते हैं या फिर अलग रूट है? इसी से जाते हैं। कैसे जाते हैं इतना पानी में? पहले तक जाइए, किसी तरह चल जाते हैं। सगरे नल लग गए हैं, 11 वार्ड में नलो नहीं ले हैं अभी तक। अच्छा, नल भी अभी तक नहीं लगा? नहीं। ग्रामीण तो लापरवाह होते ही हैं और कहीं ना कहीं उनसे डबल लापरवाही। इस पे मैं आम तौर पे कहूँ तो जनप्रतिनिधि अगर इधर अगर ध्यान देते तो शायद यह दृश्य देखने को आप लोग के बीच नहीं मिलता। और ऐसे में कुछ यहाँ पर जैसे कि आप लोग अगर आपस में मिल के रहिएगा तो शायद इस वार्ड में जो कार्य नहीं होता है वो कार्य जितना जल्द हम कहे उतना जल्द हो सकता है। और जैसे कि अभी यहाँ के कुछ ग्रामीण से भी जाने हैं और आप लोग का क्या राय है इसके बारे में जरा कमेंट करके बताएं। तो इसी तरह का न्यूज़ पाने के लिए जुड़े रहे BBL न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।